लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपका लिंक लिस्ट हो गया क्यू uh, हो गया स्टैक हो गया एंड पे क्वेश्चंस रहेंगे और मैं आज आपको रेफ़र कर रहा हूँ ठीक है कि लाइक like, मैं क्यों अभी आईटीसी में काम कर रहा हूँ मुझे तीन महीने ही हुए हैं मैं क्यों छोड़ रहा हूँ तो मैंने रीज़न बताए उनको बहुत क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंटली बताए और जो सच था वही बताया कुछ भी झूठ नहीं बोला फिर आपसे ये नहीं चाहता कि एग्जैक्ट कोड लिख के दिखाओ अगर मैं सूडो कोड लिख के दिखा रहा हूँ तो अगर वो वूडो कोड ठीक है तो वो चलेगा मतलब उनके लिए एक्सेप्टबल है यू कैन यूज़ हिंदी ऑल्सो इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं है पेटीएम में, में मेरा सेकंड राउंड हिंदी में हुआ था अब इंटरव्यू हिंदी में बात करें तो मैं बीच में इंग्लिश क्यों मारूँ तो मैंने Adobe में भी दिया था Adobe में मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था और उस टाइम मेरे ऑन नहीं थे मैं टच में नहीं था तो मैं वहाँ नहीं कर पाया था तो वही शायद एक रीज़न था वहाँ से बाहर होने का स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में और ये एक डिटेल्ड वीडियो है गाइज आपने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भैया ये वीडियो कवर करो कैसे आपको एज अ फ्रंट एंड अपॉर्चुनिटी मिला एडिडास में आप तो ऑलरेडी फुल स्टैक में थे कैसे आप फ्रंट एंड में चले गए आप फुल स्टैक में क्यों नहीं गए या फिर आप बैक एंड में क्यों नहीं गए फ्रंट एंड में ही क्यों गए राइट इसके बारे में बात करूँगा एज अ फ्रेशर कितने राउंड होते हैं अगर मैं ऐसा फ्रेशर जा रहा हूँ एडिडास में और क्या क्या चीज़ें पे मेन फोकस रहता है डी पे ज़्यादा रहता है या डेवलपमेंट स्किल्स पे रहता है और एज एक्सपीरियंस कितने राउंड होते हैं और आपका ख़ुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ आपके कितने राउंड हुए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए और कुछ रिसोर्सेज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इस इस वीडियो में अगर आप एज़ अ फ्रंट एंड इंटरव्यू देना चाहते हो या एज अ फुल स्टैक चाहते हो या एज अ बैक एंड चाहते हो तो मैं कुछ आपको रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना और मेरा खुद का एडिडास का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डी एस ए कितना मैंडेटरी है राइट उसके बारे में बात करूँगा एज अ फ्रंट एंड के लिए कुछ जेनरिक बात भी करेंगे ऐसा नहीं है और मेरा फुल स्टैक का एक्सपीरियंस मुझे कैसे काम आया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने में राइट तो ये आज का वीडियो होने वाला है एंड ये एक डिटेल वीडियो है इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ सब कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना बस इतना कहूँगा लाइक ई मैन रखा है टेन थाउजेंड का अगर हो जाते हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग में वीडियोज़ लेके आता रहूँगा एंड आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी और लिंकड इन आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर आके मेरे से आप बात कर सकते हो थोड़ा सा मैसेज मतलब आंसर में आपको थोड़ा डिले दे रहा जवाब बट आपसे ज़रूर मैं आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको आंसर दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूँ बट थोड़ा डिले हो सकता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं समझते हैं क्या कहानी थी कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला पहले उसके बारे में बात करते हैं आपको पता है इस मैंने आईटीसी टी इन्फोटेक में था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कवर कर रखा है कि लास्ट डे क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं ई एग्जिट की हम जब बात करते हैं कंपनी को जब हम छोड़ रहे होते हैं तो क्या एक प्रोसेस रहता है मैंने पूरा प्रोसेस उस वीडियो में बताया था तो सब कुछ गुड था यार आई में और बट ये है कि बेंच पे था मैं और बेंच पे आप कितना टाइम रहोगे किसी को पता नहीं होता जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी मिली एक प्रोजेक्ट में गया प्रोजेक्ट खत्म हुआ वापस बेंच पे आया फिर इंटरव्यू दिया एक बैंगलोर के लिए पोजीशन मिली बट बैंगलोर मुझे नहीं जाना था फिर बेंच पे रहा तो एट द सेम टाइम मेरे एक फ्रेंड है दिवेश वो अभी एडिडास में काम कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे रेफर किया तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो रेफर के थ्रू मिली थी राइट right? और फिर एज अ फ्रंट एंड के लिए नॉट फुल स्टैक नॉट बैक एंड अब मैं मेरा अच्छा खासा अनुभव था मैंने फ्रंट एंड पे भी काम किया था लास्ट कंपनी के अंदर गेट्सवी के ऊपर काम किया था तो एक अंडरस्टैंडिंग थी और मैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी कवर कर चुका था तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं और मैंने पी ओ सी डमी प्रोजेक्ट्स भी काफी बना रखे थे तो एक अंडरस्टैंडिंग थी काफ़ी अच्छी तो मुझे लगा कि मेरे को फ्रंट एंड में जाना चाहिए तैयारी मैं कर ही रहा था और आपको पता है कि एडेडास से पहले मेरा मैंने पेटीएम भी क्लियर किया था अगर आप कहोगे तो मैं उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूँगा तो पेटीएम मेरा क्लियर था और पेटीएम के बाद मेरा एडेडास क्लियर हुआ था सो बट पेटीएम में जो पोजीशन थी वो टीम लीड की थी वो डेवलपर की नहीं थी ठीक है तो ये थी कहानी बट एडिडास के लिए लिंकन हो नौकरी no हो आपको कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मैंने लोगों से बात करी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि येस मुझे नौकरी no के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए तो देआर मल्टीपल प्रोफाइल्स राइट डेवॉप्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है फ्रंट एंड है बैक एंड है फुल स्टेक है तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं से ही मिल सकती है बस थोड़ा सा आपको एक्टिवली पूरेक्टिवली सर्च करना होता है बट मेरे केस में जो मेरा था वो रेफर था बाकी ये वीडियो आप ज़रूर देखना जो मैंने अब मैं वो सब बातें रिपीट करूँगा उसका कोई सेंस नहीं है बट आई मैंने क्यों छोड़ा हर चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई है डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जाके चेकआउट कर सकते हो तो रेफर मिला यार उसके बाद मैं बैंगलोर मीटअप में भी गया हुआ था मुझे ध्यान है और फिर वहाँ से अब क्या इंटरव्यू प्रोसेस था मैं आपको बताता हूँ और जब बैंगलोर मीटअप के लिए गया था मैं जून में उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हो चुका था एडिडास में तो रेफर के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिला थैंक्स टू दवेश भाई अगेन यार उन्होंने मुझे आ, मेरा रेफर किया बट ये कि रेफर में ना एक गारंटी लेनी पड़ती है रेफरर को कि भाई ये बंदा ज्वाइन करेगा जब मेरी आचार अच्छा से बात हो रही थी उनको डाउट था कि ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा राइट सो so, इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होता है तो कंपनी सम टाइम आपके लिए नाइन्टी डेज़ वेट करने के लिए तैयार होती है बट मुझे आई से एक महीने में रिलीज़ मिल गया था और क्योंकि बेंच पे था कोई डिपेंडेंसी नहीं थी है ना इसलिए तो ये चीज़ थी बाकी अगर इंटरव्यू प्रोसेस की मैं बात करूँ तो जेनरिक रोल्स की अगर हम बात करें चाहे फ्रंट एंड हो बैक एंड हो एज अ फुल स्टैक हो तो आपके तीन राउंड होते हैं यहाँ पे दो टेक्निकल राउंड होते हैं एक एक घंटे के सम टाइम डेढ़ घंटे का और एक घंटे का या फिर डेढ़ डेढ़ घंटे के आपके दो राउंड होते हैं और उस लास्ट आपका एच राउंड होता है एज अ फ्रेशर जाओगे तो इनका मेन रहता है दो राउंड होंगे आपका एक घंटे का एक डेढ़ घंटे का राउंड हो रहा होगा और एक आपका एच राउंड होगा अब जो एज अ फ्रेशर जाओगे तो वहाँ पर फ्रंट एंड स्पेसिफिक अगर आप की कमांड है बैकेंड है तो वो क्वेश्चन जरूर रहेंगे बट मेन इनका रहता है कोर स्किल्स के ऊपर पहले आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा जो कि एरे और स्ट्रिंग के अराउंड होगा पहले बहुत बेसिक चेक करेंगे उसके बाद लेवल, लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपका लिंक लिस्ट हो गया क्यू uh, हो गया स्टैक हो गया पे क्वेश्चंस रहेंगे राइट कोर एकदम कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक रहेगा पहले बेसिक रहेगा एरे और स्ट्रिंग वाला वो अगर आप एक क्वेश्चन क्लियर कर देते हो क्रैक कर देते हो फिर नेक्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एस पे क्वेश्चन रहेंगे इन पर दो दो क्वेश्चन रह सकते हैं आपको कोई क्वेरी लिखने के लिए दे सकते हैं राइट और नेटवर्किंग पे क्वेश्चन हो सकता है वीपीएन क्या होता है ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है और जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो फेसबुक डॉट कॉम तो कैसे एक रिक्वेस्ट फ्लो करती है वो पूरा प्रोसेस क्या है डी एन एस कहाँ पर पिक्चर में आ रहा होता है कहाँ पर आपका डोमेन रजिस्टर होता है कहाँ पर आपका वेब सर्वर होता है कैसे रिसोर्सेज उठ के आपके पेज पर पे आ रहे होते हैं राइट इसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कवर कर रखा है कि पूरा फ्लो कैसा रहता है मैंने उसका लिंक भी दे रखा है आप जरूर देखना अगर आप एक फ्रंट एंड या वेब डेवलपमेंट में है तो वो वीडियो उसका भी लिंक मैंने दे दिया आप जरूर देखना तो बेसिकली आप समझ रहे हो ये फ्रेशर के लिए रहेगा जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग आप सिचुएशनल क्वेश्चन अगर आपके साथ एक ऐसा कलीग है जो थोड़ा सा स्टबन है अड़ियल है तो कैसे उसके साथ आप काम करोगे कैसे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कैसे हेल्प लोगे तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो फॉर फ्रेशर दो राउंड होते हैं इंक्लूडिंग वन आपका एक एक घंटे का टेक्निकल राउंड और एक आपका एचआर राउंड और अगर एज एक्सपीरियंस जाओगे तो आपके तीन राउंड होंगे दो आपके टेक्निकल राउंड और एक आपका एचआर राउंड ठीक है अब जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर आप बात करते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो अगर आप फ्रंट एंड रोल के लिए जा रहे हो तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा रहेगा ई एस एक्स हो गया टाइप स्क्रिप्ट हो गया रिडक्स हो गया राइट ए पी आई सिक्योरिटी हो गया डिबगिंग ऑप्टिमाइजेशन राइट मेमोइजेशन क्या होता है यूज़ कॉल बैक यूज़ मेमो यह उस कैसे काम करते हैं एंड यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग बाकी ऑप्शनल अगर हम गुड टू हैव में हम बात करें तो डोकर गोबर नेटी सी आई सी डी बट अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ज्वाइन करने के बाद इन पर ट्रेनिंग मिल जाएगी राइट right? तो ये कुछ पैटर्न रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन का आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो मेरे को जब कॉल आया था तो मेरे को यही जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर हुआ था और मैंने वही आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की मेरा कैसा इंटरव्यू प्रोसेस रहा देखो पहले मेरा राउंड हुआ था और पहले राउंड में से मेरा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में पूछा कि लाइक like, मैं क्यों अभी आईटीसी में काम कर रहा हूं मुझे तीन महीने ही हुए हैं मैं क्यों छोड़ रहा हूं तो मैंने रीज़न बताया उनको बहुत क्लियरली बहुत कॉन्फिडेंटली बताए और जो सच था वही बताया कुछ भी झूठ नहीं बोला उसके बाद सीधा आउटपुट वाले क्वेश्चन मुझे मिले और जो आउटपुट वाले क्वेश्चन थे गाइज वो थे होस्टिंग के ऊपर प्रोटोटाइप के ऊपर एरो फंक्शन के ऊपर प्रोमिस के ऊपर और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसके बारे में बात करी राइट right? तो होस्टिंग प्रोटोटाइप एरो फंक्शन प्रोमिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आए थे वो तो जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ कि मैं फुल स्टैक से फ्रंट एंड में आया राइट right? अब देखो यही एक ब्यूटी है फुल स्टैक की आप अगर एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर चुके हो तो आपको फायदा ये होता है कि अगर आपको कभी लगे कि आपको फ्रंट एंड में जाना है या एंड में जाना है या सामने वाली कंपनी अच्छी है आपको लगता है ये खाली फ्रंट एंड मांग रही है आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप निकल सकते हो ऐसा नहीं है कभी अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई फुल स्टैक की तो आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल राइट बट ठीक है मुझे इस टाइम पे सही लगा मुझे फ्रंट एंड में जाना चाहिए तो फ्रंट एंड में निकल गया तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है फुल स्टैक प्रोफाइल के अंदर तो अगर आपका इंटरेस्ट है, है, तो है, है।, है।, तो है वो छह महीने का है और यहाँ पे सेवन प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे जैसे कंपनी में काम होता है वहां पे डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए उससे आपको पता लगता है एंड टू एंड कैसे एक एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है राइट तो इनके यहाँ दो कोर्सेज हैं फुल स्टैक का जो छः महीने का है और बैक एंड वाला भी छः महीने का है एक हफ्ते का फ्री ट्रायल है आप जाके ले सकते हो स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो तो मैंने लिंक दे रखा है आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि आपको प्रोजेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे अगर आप लिंक जो मैंने दे रखा है उस पर क्लिक करोगे आपको रिज्यूम फॉर्मेट्स मिल जाएंगे प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा एक गाइड मिल जाएगी जिससे आप आइडिया काफ़ी लगा सकते हो बाकी कहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रायो से कोर्स किया है और अलग अलग स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट बेस में सेलेक्ट हुए हैं बाकी इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो नाइन्टी थ्री परसेंट है और जो एवरेज गारंटीड है मतलब अगर आप अच्छे से कोर्स कर लेते हो तो आपकी जॉब गारंटीड है जो मिनिमम पैकेज है वो छः लाख का है मैक्सिमम चालीस लाख तक भी लोगों ने यहाँ पे ऑफर अचीव किया है बाकी टू फोर्टी प्लस इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं और जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं और बड़ी एम भी हैं बाकी अगर एवरेज सैलरी हाइक की बात करें वो है इनका एटी मतलब अगर आप मान लो ऑलरेडी वर्किंग हो आपने यहाँ से कोर्स कर लिया तो एवरेज जो इनका हाइक रहता है अगर आप स्विच करके जा रहे हो जो एटी है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर यू कैन गो एंड मैंने आउटपुट वाले क्वेश्चन के जवाब दिए सही तरीके से आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ज मैं उन पर उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस कवर कर रहा था एंड पेटीएम मेरा ऑलरेडी क्लियर था और वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया जो मैंने पेटीएम में इंटरव्यू क्लियर किया और वहाँ भी ऐसा ही था आउटपुट वाले क्वेश्चंस मुझे दिए गए थे मैंने एक चीज़ देखी है जब आप फ्रंट एंड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो आपके जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल पे बहुत फोकस किया जाता है और मैंने ऑलरेडी वो सारी सीरीज़ कवर कर रखी थी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारी सीरीज़ चाहे फिर ई एस के ऊपर हो रेट के ऊपर हो वो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो जितने मैं भी आपसे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ इन सब पर मैंने वीडियो कवर कर रखा है एंड मैं इन सबका लिंक आपको दे दूँगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से फ्रंट एंड का इंटरव्यू निकाल सकते हो थोड़े बहुत चैलेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं आ, कोई कोई आपसे कुछ बहुत डीप जाके पूछ ले बट ये जेनरिक है चांसेस ज़्यादा है नाइन्टी परसेंट आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा एज आ फ्रंट एंड के लिए उसके बाद मेरे से पूछा कोर क्या होता है आप क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग कैसे काम करता है उसके बारे में बताया राइट प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जाती है मतलब पूरा मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड इंटरव्यू वॉज लाइक मतलब उस टाइम पर जितने क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे थे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उसके बाद एक वेब सर्विस कॉल जैसे एक्जीओस या फैच फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे वेब सर्विस को कॉल करते हैं ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने स्नेपेट लिख दिया था उनका मेन ये था कि मैं मेरा सोचने का वे कैसा है कोई भी इंटरव्यू आपसे ये नहीं चाहता कि एग्जैक्ट कोड लिख के दिखाओ अगर मैं सूडो कोड लिख के दिखा रहा हूँ तो अगर वो सूडो कोड ठीक है तो वो चलेगा मतलब उनके लिए एक्सेप्टेबल है उसके बाद मेमोइजेशन पे रहा कि आप कैसे एक वेब ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो मैंने उस पर एग्जाम्पल दिया मैंने ऑलरेडी मेमोइजेशन पे वीडियो कवर कर रखा है तो मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया एंड रिएक्ट में आप कैसे करोगे वो मेरा सेकेंड राउंड में था बताता हूँ आपको अभी एंड हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन पे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट मैंने गेट्स पे किया था उसका क्या आर्किटेक्चर था मैंने पूरा बना के दिखाया कि यहाँ पे गिट लैब था यहाँ से हम बिल्ड बना रहे थे और इस तरीके से सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे थे तो पूरा पूछा उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पर जैसे लॉग इन मॉड्यूल था उस पर लाइक क्लासेस कैसे बनी हुई हैं कैसे आपने बनाई क्या एट्रीब्यूट्स आपने लिए तो बेसिक था बाकी हाई लेवल डिजाइन में एंड टू एंड क्या आर्किटेक्चर था वो मैंने पूरा बना के ड्रो डोट आयो पे दिखाई दिया था क्योंकि जब भी आर्किटेक्चर की बात होती है तो मैं एक स्क्रीन शेयर करके ड्रो डोट आयो खोलता हूँ पूरा बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद जो जो क्वेश्चन होते हैं उसे डायग्राम को देखने के बाद वो इंटरव्यर पूछ रहा होता है सेम मैंने पेटीएम में भी किया था और सेम मैंने एडेडास में भी किया था उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन एक पूछा था मेरे से कि डेडलाइन होगी तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे लाइक परसों रिलीज जानी है टीम में कोई नहीं है खाली आप हो तो कैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे तो जस्ट मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे और कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे थे कि मैं कैसे आंसर कर रहा हूँ अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो तो एक एडवांटेज एक एज रहता है बट अगर आप बोल रहे हो Uh, मतलब समझ पा रहे हो समझा पा रहे हो उतना ही काफ़ी होता है उतनी इंग्लिश काफ़ी है बाकी जैसे जैसे आप काम करते हो ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है आप चीज़ें सीख रहे होते हो राइट बट ये नहीं है आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे को डर लगता है ये है एटलीस्ट थोड़ा सा समझ रहे हो ना उतना काफ़ी है और बोल पा रहे हो उतना काफ़ी है यू कैन यूज़ हिंदी ऑल्सो इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं है पेटीएम में, में मेरा सेकंड राउंड हिंदी में हुआ था अब इंटरव्यू और हिंदी में बात करो तो मैं बीच में इंग्लिश क्यों मारूं राइट तो मैं भी हिंदी में बात कर रहा था जहाँ जि जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप बोलोगे तो एंड अगर आप टेक्निकल साउंड हो तो मेरे को लगता है उसका एज रहता है ऐसा नहीं है राइट तो फर्स्ट राउंड हुआ उसके बाद फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा कि मैंने कहा ये क्लियर हो जाएगा मेरा फिर सेकंड राउंड आपका या तो ऑन साइड राउंड होता है या फिर ऑन साइड राउंड नहीं हो रहा होता है डिपेंड करता है और सेकेंड राउंड में एक ये भी रहता है कि आपको तीन चार दिन मिलते हैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए अब वो एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है कोई लॉग ऐप हो सकती है या फिर कोई लॉजिक स्पेसिफिक अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो है ना अब जैसे एक स्पोर्ट्स कंपनी है फुटबॉल के अराउंड चीज़ें हैं है ना तो आपको एक स्कोर बोर्ड टाइप कुछ बनाने के लिए दिया जा सकता है ठीक है तो इसके लिए थ्री फोर डेज़ मिलते हैं उसके बाद जैसे वो ऐप बना देते हो फिर आपका दोबारा सेकंड राउंड हो रहा होता है मेरा ऐसा नहीं हुआ था मैं आपको जेनरिक बता रहा हूँ कुछ लोगों का हुआ ऐसा मैंने बात करी थी तो फिर जो आपने ऐप आप बनाया है उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना कैसे इसे इसकी परफॉर्मेंस को हम बेटर कर सकते हैं अभी रेंडर टाइम इतना है ऐसे कैसे इसे, इसे रिड्यूस कर सकते हैं वहीं पर फिर मेमोइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया या फिर यूज़ मेमो हो गया राइट और यूज़ कॉल बैक हो गया ठीक है तो वहाँ पे उस तरीके से आप आंसर कर रहे हो तो मेरा सेकेंड राउंड क्या हुआ था जैसे मान लो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन हो गया आपके पास कोई लाइव कोड बेस दे दिया उसमें आपको अब आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है स्निपेट आपको दे दिया उन्होंने ठीक है जस्ट चेक करने के लिए आप कैसे सोच रहे हो कैसे आप क्या आपकी अप्रोच है एंड रिएक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में गाइस कीज क्या होता है एक सर्च बार कैसे बनाएंगे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो कैसे सजेशन वाली जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा डी तो डेली आ गया जितने डी से रिलेटेड स्टेट्स थे वो सजेशन में आ गए वो कैसे काम कर रहा होता है ये क्वेश्चन वैसे पेटे में भी पूछा गया था एंड यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में क्या डिफरेंस होता है यूज़ रेफ क्या होता है एंड वट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ रिडक्स तो हमारे तीन होते हैं स्टोर एक्शन रिड्यूसर इसको एक्सप्लेन करा मैंने कोई लाइव यूज़ केस रिडक्स को यूज़ कर क्यों करें वैन वी ऑलरेडी हैव यूज़ कॉन्टेक्स ठीक है एंड डीबर्गिंग थ्रॉटलिंग पे क्वेश्चन पूछा गया ठीक है फिर मैंने वो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो कवर कर रखा है वैसे इन सब पे मैंने वीडियो कवर कर रखा है मैंने सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड उसके बाद दैट्स इट दिस वाज सेकंड राउंड काफ़ी अच्छा था ये भी काफ़ी नॉलेजेबल था एंड लास्ट फिर एचआर राउंड फिर जो भी आपका करंट सीटीसी होता है उसके हिसाब से फिर नेगोशिएट होता है अब वो मैं चीज़ें शेयर चीज़ नहीं कर सकता बट इट वाज आल्सो गुड एंड बिकॉज आईटीसी में था मैं तीन महीने था बट काफ़ी अच्छे से एंटरटेन किया एंड दे कैन ऑल्सो लाइक नाइन्टी डेज़ के लिए दे कैन वेट और वो एक अच्छी चीज़ थी बट मैंने कहा नहीं मेरे को अगर जल्दी रिलीज़ मिल जाता है तो मैं जल्दी ज्वाइन कर लूँगा मैंने एडिडास में ऑलरेडी बोल दिया था ओके सो दिस वॉज माई होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आई होप आप काफी रिलेट कर पा रहे हो गे. और जितनी मैंने बातें करी है जितने कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात करी है चाहे आउटपुट वाले क्वेश्चन हो सब कुछ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जाइए पढ़ना शुरू कीजिए बस डेट सेट ठीक है अब मेरा फुल स्टैक का एक्सपीरियंस कैसा रहा देखो फुल स्टैक डेवलपर का एक्सपीरियंस ये रहता है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो फुल स्टैक डेवलपर तो आपको फ्रंट एंड का नॉलेज भी है बैक एंड का भी है इन फ्यूचर अगर आप सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ो और अगर अच्छा नहीं चल रहा है आपको लगता है कि फ्रंट एंड में वेटेज ज्यादा है या बैक एंड में ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड तो मेरे केस में कहीं ना कहीं मेरे करियर के अंदर मैं फ्रंट एंड से ज़्यादा अटैच था बैक एंड में मेरा जावा था एंड कंफर्टेबल था मैं उसमें बट फ्रंट एंड में मेरा ज़्यादा वेटेज था मुझे ज़्यादा मजा आता था दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसे ग्रैप किया है ना सो so, येस yes, एक एडवांटेज रहता है फुल स्टैक का और आप फुल स्टैक भी जा सकते हो वहां front end end और वहाँ से फ्रंट एंड या बैक एंड की ओर भी निकल सकते हो एंड डी कितना मैंडेटरी है अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड के लिए देखो अगर मैं एडिडा स्पेसिफिक बात करूँ तो रेशो रहता है अस्सी बीस का अगर एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो अस्सी परसेंट आपके डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर बात होगी ट्वेंटी परसेंट इंटरव्यू टू इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन लेके आ गया स्टैक और क्यू का आपसे वो कोड लिखवा रहा है बट मैंने मैंने जितना ऑब्जर्व किया चाहे पे में भी मेरा जो तो स्टार्टिंग का पहला टेक्निकल राउंड था उसमें भी मेरा कोडिंग क्वेश्चंस थे वहाँ पे एक लिंक लिस्ट का था और एक कोई और था मुझे देखना पड़ेगा मैं उस पर एक जरूर वीडियो कवर करूँगा बट एडिडास में ऐसा नहीं था मैंने आपको पूरा बताया ठीक है समटाइम अगर आप लकी हो बहुत ज़्यादा तो बट मैंने देखा यार फ्रंट एंड में बताओ नॉट लकी स्पेसिफिक बट अगर फ्रंट एंड की हम बात करें तो मतलब ज़्यादातर आपके जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल पर ही फोकस किया जाता है और डेवलपमेंट स्किल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है हाँ अगर प्योर बैक एंड प्रोफाइल है तो अलग बात है तो यहां पे जी एक अच्छा था मार लिए एंड फिर भी मैं कहूंगा फ्रंट एंड के लिए अगर आप डीएसए से, जैसे सेट सेट हो गया मैप हो गया इसके अराउंड जैसे चीजें अगर आपका सेट और मैप पे अच्छे है, हैंड्स होने मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर कर रखा है इसके ऊपर भी कर रखा है तो वो एक आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे भी रहे हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे उसको ठीक है कि उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अगर नॉर्मल आप सिंपल लॉजिक लगा रहे हो वहीं आप सेट यूज करो या मैप यूज करो तो ज्यादा ईजी रहेगा है ना थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा राइट दो लूप यूज़ किए तो आप एक यूज़ कर रहे हो उसको और ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो एक एज रहेगा एडवांटेज रहता है तो अगर आप मेरे से पूछोगे अगर मैं जेनरिक बात करूँ नॉट स्पेसिफिक एडिडास मैंने बहुत जैसे पेटीएम में इंटरव्यू दिया एडिडास में दिया और आ, मैंने अडोबी में भी दिया था अटोबी भी मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था और उस टाइम मेरे हैंड्स ऑन नहीं थे मैं टच में नहीं था तो मैं वहाँ नहीं कर पाया था तो वही शायद एक रीज़न था वहाँ से बाहर होने का बट अस्सी बीस का मान के चलो अस्सी आपके अगर जवाब के फंडामेंटल अच्छा है तो आप आराम से फ्रंट एंड का प्रोफाइल का इंटरव्यू निकाल सकते हो एंड मैंने एक चीज़ शेयर करी है जी आपके साथ आपको बहुत हेल्प करेगी ये एक पूरी सीरीज है फ्रंट एंड डेवलपर के फ्रंट एंड के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं जैसे पोलीफिल क्या होता है डॉक टाइप क्या है स्टोरेज क्या होता है सर्विस वर्कर क्या होता है असिंक और डेफर में क्या डिफरेंस होता है ठीक है मैंने ये पूरे आपको 51 वन क्वेश्चन हैं जी ये आप देख लीजिएगा अच्छे से आपको बहुत हेल्प करेंगे मेरा आपसे प्रॉमिस है मैंने ये खुद रेफ़र किए थे और मैं आज आपको रेफ़र कर रहा हूँ ठीक है तो ये ज़रूर देखना आप आपको बहुत हेल्प करेगा बाकी एडिडास का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था एक हफ़्ते आपको यहाँ पे सब कुछ एकदम मैनेज्ड है और सबसे बड़ी बात हर चीज़ लेटेस्ट है सब कुछ नया यूज़ हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ थी और आ, मैं गया एक हफ्ता मेरा प्रॉपर एक ट्रेनिंग है इनका ट्रेनिंग बना हुआ है जैसे डॉकर के ऊपर कुबर के ऊपर जैसे जो एक्चुअल में आर्किटेक्चर है इनका अब जो भारी दुनिया है वो ठीक है बट हर कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है आर्किटेक्चर होता है वो सब टेक्निकल ट्रेनिंग्स हुई जो बहुत अच्छी हुई उसके बाद इनकी दो हफ्ते की ट्रेनिंग और होती है जैसे फ्रंट एंड में मेरे को जाना है तो इनकी फ्रंट एंड की ट्रेनिंग अलग से है जो जैसे माइक्रो फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं राइट और ये अपने कोड बेस में जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन्होंने उससे रिलेटेड ट्रेनिंग बना रखी है कि आप वो करके ही प्रोजेक्ट में जाओगे वरना आप नहीं जाओगे तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हैं एंड Uh, कोई माइक्रो मैनेजमेंट वाली चीज़ मैंने नहीं दिखी और काफ़ी अच्छा मतलब इन्वामेंट है तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एडिडास का एंड अच्छा चल रहा है अभी करंटली एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं और वहाँ पर मैं एज अ सिंगल कॉन्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल बट येस इट इज़ गुड और जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों में एक टाइम पे हाथ मार रहा हूँ बट अच्छा है मेरे लिए और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है ठीक है सो ये था जी पूरा मेरा एक्सपीरियंस एडिडास का आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा फिर भी कोई डाउट हो आपका तो कमेंट में लिखना मैं जरूर कवर करूँगा अगर आपके माइंड में कोई और वीडियो हो एंड ये मेरा पूरा पूरा था एंटायर प्रोसेस जितना मैंने आपके साथ शेयर किया सारे मैंने यूज़फुल रिसोर्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी अगर आपको फुल स्टैक में जाना है बैकेंड में जाना है फ्रंट एंड में जाना है तो मैंने क्रायोस का लिंक भी दे रखा है आप वहाँ जाकर डेमो क्लास ले सकते हो और मैंने जो फ्री रिसोर्स है जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं फ्रंट एंड के लिए जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो यू कैन गड चेक आउट ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में टिल दें ध्यान रखिए अपना लाइक ये मैंने रखा है टेन का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बाकी इंस्टाग्राम मेरे से आके आप कनेक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच गाइस मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ध्यान रखिए